फ्रेंड, मुन्ना हिल सिटी एलईजी में स्वागत है। मैं मुन्ना राजक। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ये एक बोर्ड से आपको रूबरू कराना। बहुत लोगों का कहना था कि सर कोई एक ऐसा कोई छोटा बोर्ड नहीं है जो कि कहीं पर भी इजी फिट हो जाए। तो आप लोग देख लें कि ये एक बोर्ड मार्केट में, ये बोर्ड बहुत पहले ही से आई हुई है, लेकिन हर किसी को पता नहीं है। इस बोर्ड का नाम है जेनेक्स 53U 11.2, और ये बोर्ड जो है इस T56U 11.2 से लगभग 2.5 इंच जो है वो हमारी छोटी है। और इस बोर्ड में 2 HDMI, 1 AV, 1 USB के सिवा और कोई पोर्ट नहीं है, यानी RF और VGA जो है वो नहीं है। तो आप लोग देख सकते हो कि ये बोर्ड, और ये बोर्ड भी उसी तरह से लगेगा जो कि हमारी V56U 11.2 लगती है, लेकिन थोड़ा सा जो तरीका है वो थोड़ा अलग है। ये बोर्ड उन लोगों के लिए है कि जहाँ पर बहुत कंजेक्शन रहता है, जिस LCD LED TV में काफ़ी जगह नहीं होती है, तो उस स्थिति में आप चाहे तो इस बोर्ड को यूज कर सकते हैं। तो इस बोर्ड का रेजुलेशन कैसे सेट होगा, लोगो कैसे सेट होगा, और हमारी रिमोट जो है ओरिजिनल वो कैसे मैच करेगी, ये थोड़ा भिन्न प्रकार का है। मतलब हर बोर्ड से ये अलग प्रकार की है। तो हम लोग आए थोड़ा सा विस्तृत जानकारी ले लें। दोस्तों, हमारी जो अगली ट्रेनिंग है वो जो मुंबई में होने वाली है 10 से लेकर 14 तारीख को, इसमें सिर्फ 2 ही सीट खाली है। ये ट्रेनिंग इसी महीने 10 तारीख को होगी, 14 को समाप्त होगी। 5 दिन का ट्रेनिंग होगा और विथ बॉन्डिंग के साथ 8882861 0128 पे कॉल करके वो 2 सीट भी आप चाहें तो बुक करा सकते हैं। जल्दी करें, सिर्फ 2 सीट खाली है। बांग्लादेशी जो ने बोलची अपना देश से ट्रेनिंग होंगे ढाका और मागुरा। यदि अपनी ट्रेनिंग लेते चान जेखने वही नंबर ही कॉल करबें। ढाका नंबरे कॉल करे बॉन्डिंग मशीन विस्तृत जानकारी देवा जाबे और बिक्री करा है। ढाका नंबरे 0161534357 कॉल करे बॉन्डिंग मशीन जो ने जानकारी लेबें। मागुरा यदि ट्रेनिंग लेते चान ताले यही नंबरे कॉल करबें और सीट बुक देवें। दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़े, हम लोग लाइन देंगे। तरीका वही है, जैसे जो बोर्ड आप लोग लगाते हैं वही बोर्ड उसी तरीका से है। इसको हम लोग ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद यहाँ पर आप देख रहा होगा कि रेजुलेशन मैच नहीं है। इसकी रेजुलेशन के लिए हम लोग इनपुट 0 3 3 एग्जिट कर दे, इनपुट 0 3 6 6 3, यानी ये 661 से लेकर 667 तक है। इसकी रेजुलेशन जो सेट होगी हमारी नॉन HD वाली, उसके लिए 3 है, इसलिए हमने 3 डाला कि ताकि समय की बचत हो। अब ये जो हमारी रेजुलेशन सेट हो गई, तो अब हम इसमें एक इनपुट देकर देखें, यानी केबल वाली इनपुट, यानी पिक्चर की। तो ये हमारी पिक्चर आई और इसका सर्विस मोड आपको मिलेगा इनपुट और 208। आपको इनपुट और 208 इसमें आपकी सर्विस मोड मिलेगी। और इसके सिवा एक और हमको सर्विस मोड मिलेगा, वो लोगो चेंज के लिए, लोगो चेंज और रिमोट वर्क करने के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से इसको एग्जिट हो जाएंगे। यहाँ पर दिखाइए इस बोर्ड के लिए हम फिर एग्जिट हो गए और फिर इनपुट और हम देंगे 366। इनपुट 366 देने के बाद अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लोगो। फर्स्ट में आपको लोगो ऑप्शन दे रहा होगा। जैसे हम लोग V56U 11.2 और बाकी अदर्स हम लोग इंस्टॉल करते हैं या लगाते हैं, ठीक उसी तरह से है। जैसे कि इसकी लोगो यहाँ पर है और मैं इसमें सोनी करके, और फिर हम नीचे चले जाएंगे। नीचे जब जाएंगे तो देखेंगे रिमोट सेटिंग। अब ये रिमोट सेटिंग में यहाँ पर क्या है कि यहाँ जाने के बाद अब हमारी ये जो मैनुअल की है, इस मैनुअल की
चैनल प्लस और माइनस जो है वो हमारी सेलेक्ट होगी, और वॉल्यूम प्लस माइनस जो है वो हमारी रिमोट जो है वो वैल्यू चेंज होगा। तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा तोशिबा, सोनी, सैमसंग और NEC 04FD, मतलब ये डिफ़ॉल्ट पोजीशन में है, ये भी एक डिफ़ॉल्ट पोजीशन में है। कुछ इस तरह से जो है वो हमारी रिमोट जो है वो काम करेगी। तो इसमें जो रिमोट काम करेगी तोशिबा का करेगी, सोनी का करेगी, सैमसंग का करेगी और LG की करेगी। LG की करेगी और उसके बाद हमारी जो है एक डिफॉल्ट पोजीशन में रहेगी। तो डिफॉल्ट पोजीशन यह है और ये वाली हमारी LG की है। और ठीक इसके बाद अगर हम कोई सोनी में रिमोट में इसको रख दे रहे हैं, जैसे कि मान के चलिए हम सैमसंग में इसको रख देंगे, तो अब ये रिमोट हमारा जो है वो चाइना वाला रिमोट काम नहीं करेगा दोस्तों अभी, क्योंकि हमने यहाँ पर सैमसंग कर दिए हैं। कुछ अलग है, कुछ भिन्न प्रकार की है इस ये बोर्ड में, इसको इंस्टॉल करने में आपको कुछ इस तरह का प्रॉब्लम आएगा। हालांकि इस बोर्ड के साथ आपको एक चीट भी मिलेगा जो कि बहुत सा जगह नहीं रहता है, अगर नहीं रहा तो आप उस दुकानदार से मांग सकते हैं कि इसकी ऑपरेटिंग सेटिंग, रेजुलेशन कोड, लोगो सेट, रिमोट वर्क कैसे किया जाता है उस पर लिखा हुआ डिटेल्स रहता है। तो ये जो सैमसंग हमने किया है इसलिए ये जो चाइना वाला रिमोट है जो हमारा काम नहीं कर रहा है। तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, उसी तरह से वॉल्यूम से हमको डिफॉल्ट पोजीशन में लाना पड़ेगा, और इसकी डिफॉल्ट पोजीशन है हमारा 00BF, यानी 00BF ये हुआ सोनी, 00BF ये हुआ डिफॉल्ट पोजीशन। अब हमारे यहाँ पर जो है वो चाइना का रिमोट जो है वो वर्क करेगा, दिख रहे हैं तो दोस्तों ये हमारा चाइना का रिमोट वर्क कर रहा है। यहाँ पर जो कंपनी का रिमोट अगर शो हो गया आपको वही कंपनी का रिमोट काम करेगा। उसको वहाँ से हटाने के लिए आपको चैनल की सेलेक्ट बटन जो है चैनल प्लस माइनस को सिलेक्ट करना होगा और वॉल्यूम प्लस माइनस को आपको वैल्यू चेंज करना होगा, रिमोट चेंज करना होगा। इसके बाद हमारे बाकी जो है थीम, बाकी जो सेटिंग है ठीक U11.2 की ही तरह है। तो ओके दोस्तों, बाय नेक्स्ट वीडियो के लिए, धन्यवाद।